आप ये देख रहे हैं कि ये जो है छत्रपति शिवाजी कॉलोनी ग्राम बरा पीलीभीत, पीलीभीत शहर से बिल्कुल सटी हुई कॉलोनी और गंदगी का आप अंबार देख रहे हैं। वहीं हमारे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत स्वच्छ अभियान और योगी जी भारत स्वच्छ अभियान का चला रहे हैं, उसकी जीती जागती मिसाल आपको यहाँ पे मिल रही है, गंदगी का अंबार बना हुआ है। वहीं अगर शहर की हम बात करें, पीलीभीत जिले की बात करें, चारों विधायक बीजेपी के हैं, उसके बाद ये सफाई का यहाँ पे ये आलम हो रहा है। शहर से सटे हुए गांव ग्राम बरहा में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ पे रोग फैल रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी अधिकारी देखने को तैयार नहीं, सब कार्यों में खाना पूर्ति पे लगे हुए हैं। वही दिखाया जा रहा है गांव को सांसद विधायक गोद ले रहे हैं, अगर गोद ले रहे हैं तो ये स्थिति क्यों है, शहर से सटे हुए गाँव की जब ये स्थिति तो आगे की क्या होगी। पीलीभीत से जमशेद खां के साथ कैमरामैन मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमारे मोदी जी और योगी जी करते हैं, उसकी यहाँ एकदम विपरीत स्थिति है। यहाँ मंदिर होने के बावजूद यहाँ गंदगी का पूरा साम्राज्य इकट्ठा है, जिसकी वजह से इतने संक्रामक रोग हो रहे हैं लोगों को कि कुछ का कोई जवाब नहीं है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और मंदिर यहाँ एक सामने मंदिर है जो कि सावन का भी त्यौहार हमारा पावन आने वाला है, जिसकी पूजा पाठ के लिए हम लोग यहाँ अगर व्यवस्था करें तो आप बताइए किस तरह से व्यवस्था होगी, ये जो गंदगी फैली हुई है इसमें पूजा करना संभव है क्या? कर रहा हूँ उस समय तक की बता रहा हूँ, मुझे मैं 99 में आया हूँ, तब से यहाँ ना तो कच्ची मिट्टी पड़ी है, ना ईंट का रोड़ा पड़ा है, ना कोई खरंजा पड़ा है, और इस बार पिछली बार प्रीतम राम और बुद्धिसेन के पास गए भी थे लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी वर्तमान में 2 साल पहले MLA का चुनाव हुआ तो उसमें संजय कुमार कह गए थे कि अगर मुझे जिता दोगे 30-31 मार्च को ईंट पड़ेगी यहाँ, और हमें यहाँ का रास्ता था, कई गांव का रास्ता रुका हुआ है, पूरी कानूनी घनी बस्ती हुई है, सभी 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 का सब विधान हो रहा है निकलने के लिए।